एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। तो ये हमारी पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन होगा। एक सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को समझा था। इस सेशन के अंदर हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस सोर्सेज समझने हैं। आपको पता है भारत के संविधान ने बहुत सारी जगहों से खूबियाँ जो है वो बटोरी हैं और उन खूबियों के अंदर, उन फीचर्स के अंदर मॉडिफिकेशन करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो कहते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक पैच वर्क है। कुछ क्रिटिक कहते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक पैच वर्क है। तो ये पैच वर्क है या नहीं है इसको देखते हैं। और क्यों भारत ने दूसरे देशों से कॉपी किया, क्या क्या चीज कहाँ से हमने ली है, किन चीजों को हमने बोरो किया है कहाँ से, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। हर तरीके के एग्जाम में CDS का दे रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट दे रहे हो, SSC दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, ग्रुप सी दे रहे हो, ग्रेड ए, ग्रेड बी, हर तरीके के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं, इन टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कहाँ से लिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। एक बुक हमारी आई थी ईयर बुक, जिसके अंदर जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 22 तक के सारे करंट अफेयर जो है वो इंक्लूडेड थे। उसकी सॉफ्ट कॉपी अभी भी आपको हमारी ऐप पर अवेलेबल रहेगी, मिल जाएगी आपको अगर आप लेना चाहे तो। बट हार्ड कॉपी अभी हम लोग आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, अभी हम लोग नहीं दे पा रहे। उसी की प्रैक्टिस के लिए जिन लोगों ने करंट अफेयर प्रिपेयर कर लिए हैं पूरे साल के, अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये सवाल नाम की बुक, जिसमें सवालों की बोछार है, आप लोगों के लिए सवाल नाम की इलेक्ट्रॉनिक बुक यानी ई बुक है। सिर्फ सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी इसकी। इसके चार टुकड़े आपको मिलेंगे, यानी चार ई बुक हम लोग दे रहे हैं, जिसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। तीन तीन महीने के यानी क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये PDF मिलेगा सब्सक्राइब्ड एस्पिरेंट्स को। तीन तीन महीने की ये ई बुक आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें तीन तीन महीने के करंट अफेयर के MCQ जो है वो आपको मिलेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। PDF होगा जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आप लोगों को क्या करना है, parchamclasses.in से इस बुक में एनरोल कर लेना है, इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको मैं बताना चाह रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो अलग अलग चीजें हैं वो कौन कौन से देश से हमने बोरो की है। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमको कितना समय लगा, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी लगभग 3 साल। और हमारे कितना खर्चा आ गया, 64 लाख का खर्चा आ गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और लगभग 60 देशों से हम लोगों ने अलग अलग चीजें बोरो की। क्योंकि अम्बेडकर साहब, बाबा साहेब ये कहते थे कि अगर कहीं से ये खूबी हम ले रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको मुझ में कुछ अच्छा लग रहा है तो आप अगर उसको कॉपी कर रहे हो तो इसमें क्या बुरी बात है। आप में कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे तो मैं उसको अगर कॉपी कर रही हूँ तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन भारत ने क्या किया, हर एक चीज को अपने तरीके से, अपने देश के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया। तो एक एक करके देखते हैं कि भारत ने अलग अलग चीजें जो है, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स कहाँ से बोरो किए हैं, और यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं USA के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, ठीक है। USA के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स। अमेरिका ने फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स नाम दिया है, भारत ने इनको फंडामेंटल राइट्स नाम दिया है, मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और जो 12 से 35 के साथ मैं कहूंगी कि ये Part 3 के अंदर आता है, Part 3 में आता है 12 से 35। उसके बाद प्रियम्बल का कंसेप्ट, प्रियम्बल का आइडिया, सोर्स नहीं, प्रियम्बल में जो शब्द लिखे हैं वो हमने अमेरिका से नहीं लिए, एक प्रियम्बल होना चाहिए ये बात हमने अमेरिका से कॉपी की, ठीक है। यानी कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल सबसे पहले अमेरिका ने ही इंक्लूड किया था। तो जो ये शब्द है, जो ये सोर्स है प्रियम्बल का, वो कहां से लिया, जो सोर्स है वो हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया। जो नेहरू जी ने अपना ऑब्जेक्टिव बताया था कि मैं मेरा भारत कैसा बनाना चाहता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था, प्रस्तुत किया था, जहां से इंडिया ने इस प्रियम्बल को लिखा है। लेकिन ये आइडिया कि एक प्रियम्बल होगा, ये बात हमने अमेरिका से बोरो की। उसके बाद प्रेसिडेंशियल कंसेप्ट यानी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के अंदर प्रेसिडेंट होंगे ये बात भी अमेरिका से ली, पर कैसे होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, ये बात हमने अमेरिका से नहीं ली। इलेक्शन अमेरिका का हमने नहीं कॉपी किया।
जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो हमने आयरलैंड से लिया है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का एक ऑफिस होगा यानी एक प्रेसिडेंट पद होगा, ये कंसेप्ट जो है ये हमने अमेरिका से लिया। लिख देखोगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अमेरिका से, नॉट इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने आयरलैंड से लिया है। फिर जुडिशियल रिव्यू, कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी डिसीजन सुनाया जा रहा है, उस कानून को आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं, इसका जुडिशियल रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भी हम लोगों ने यूएसए से लिया है, और इम्पीचमेंट का कंसेप्ट, जो प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं उनका कंसेप्ट भी हमने अमेरिका से लिया है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है, मतलब संविधान के अंदर वो बातें नहीं है, बट फिर भी हमने अमेरिका के एक केस से इसको बोरो किया है, दैट इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये हमने अमेरिका के ही एक केस से बोरो किया है कि PIL नाम की एक चीज होनी चाहिए। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ये फीचर है जो हमने अमेरिका से बोरो किया है। उसके बाद नेक्स्ट देश है USSR। USSR से हमने क्या लिया, हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली। फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य क्या है भारत का नागरिक होने के नाते, आर्टिकल 51A के अंदर ये बात है, पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी हमने लिखे हुए हैं। इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐड करवाया था। शुरुआती दौर में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, बाद में 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी इंक्लूड करवा दिया, और स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर हम लोगों ने ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारत के संविधान में इंक्लूड की थी। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे, ये हमने यूएसएसआर से लिया है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर, यानी संविधान में नहीं है बट फिर भी एक फीचर है जो यूएसएसआर से लिया है, दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी। जो भारत सोशलिज्म की तरफ थोड़ा टिल्ट हुआ था आफ्टर आजादी, आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत ने प्लान्ड इकोनॉमी, 5-year प्लान का कंसेप्ट सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से ही लिया है। फिर जस्टिस यानी न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये तीनों जस्टिस जो है ये हमने यूएसएसआर से लिए हैं, जो प्रियम्बल का एक फीचर है। प्रियम्बल में बताया है कि भारत कैसा होना चाहिए, जहां न्याय मिले, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर तरीके का न्याय मिले, तो जस्टिस हमने यूएसएसआर से कॉपी किया है। उसके बाद आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने DPSP लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में आते हैं, पार्ट 4 का हिस्सा है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड ने कहां से लिया है, इसको स्पेन से लिया है, आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है और हमने आयरलैंड से लिया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अमेरिका था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन उसमें हिस्सा लेंगे, ये सब आइडिया हमने आयरलैंड से लिए हैं। राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, आपको पता है 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में, कौन कौन होंगे, कला के आधार पे यानी आर्ट के आधार पे, साइंस के आधार पे, सोशल सर्विस के आधार पे, इस तरीके से जो अलग अलग बेसिस हैं, 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो नॉमिनेशन भी हमने आयरलैंड से कॉपी किया है। DPSP, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो भाई हमारा सालों साल का रिश्ता है और इससे बहुत सब चीजें हमने ली है। रिट जुरिसडिक्शन, आर्टिकल 32, 5 रिट्स हैं, आर्टिकल 226, 6 रिट्स हैं हाई कोर्ट की, 5 रिट सुप्रीम कोर्ट की, 6 रिट हाई कोर्ट की। ये रिट जुरिसडिक्शन हम लोगों ने कहां से लिया है, ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से लिया है। उसके बाद पार्लियामेंट, पूरे का पूरा पार्लियामेंट, वो अपनी पार्लियामेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, वेस्टमिंस्टर। ठीक है, तो हम भी अपनी पार्लियामेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। पार्लियामेंट उनकी है, भारत का पार्लियामेंट का नाम संसद है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हम उसको संसद ही कहते हैं, पर ये पार्लियामेंट मुंह पे क्यों जचा हुआ है, बिकॉज ब्रिटेन से कॉपी किया है और ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, जैसे जापान में डाइट कहते हैं, जैसे अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, इसी तरीके से भारत में संसद कहते हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो पूरे का पूरा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, कि बाइकैमरल होगा, दो हाउस होंगे, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस, एक स्पीकर होगा, ये सारे का सारा कंसेप्ट, पूरे का पूरा पार्लियामेंट का प्रोसीजर हम लोगों ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से लिया है। पूरा कैबिनेट सिस्टम, कि कैबिनेट मंत्रालय होगा जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर डिसीजन लेगा, तो ये पूरा कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन से लिया है। स्पीकर लोकसभा का, ये हम लोगों ने कंप्लीट पार्लियामेंट ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिटेल में तो आगे बताऊंगी, पर अभी थोड़ा मोटा मोटा जान लो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होंगे, एक होगा नॉमिनल हेड,
नॉमिनल हेड यानी नाम का मुखिया, और एक होगा रियल हेड। भारत का रियल हेड कौन है? रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, दो हेड होंगे। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसी तरीके से जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लाइक यूएसए, यूएसए का प्राइम मिनिस्टर आपको नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है। रियल हेड भी और नॉमिनल हेड भी, किसी भी तरीके का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। पीएम नाम की कोई चीज वहां नहीं होती, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कि लॉ की नजरों में सब समान होंगे, ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, जिसको एवी डिकी ने इजाद किया था। ठीक है, जिसको एवी डिकी ने इजाद किया था, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया था। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कानून का शासन चलेगा, लॉ का नियम चलेगा। कोई भी राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी अगर गलती की है तो सेम सजा मिलेगी, यानी लॉ की नजरों में सब बराबर। वो देखते हो ना, वो महिला की आंखों पे पट्टी बंधी कि मुझे नहीं दिख रहा तू कौन खड़ा है सामने, मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है मेरे लिए सब बराबर है। तुमने किसी का मर्डर किया है तो सबको सेम सजा मिलेगी, चाहे कोई अमीर पिता का हो, चाहे कोई गरीब पिता का हो। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर। कैनेडा का जो फेडरलिज्म है और भारत का जो फेडरलिज्म है ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो गवर्नर का ऑफिस हमने कैनेडा से लिया। रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर जो कभी वायसराय के पास होती थी, आज के दिन ये कैनेडा से हम लोगों ने कॉपी की है रेजिडुअरी पावर। ठीक है, तो ये विशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां जो और किसी के पास नहीं गई, वो सारी शक्तियां जो है वो कैनेडा से हम लोगों ने प्रेसिडेंट के पास सौंप दी है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड एमएलए, क्या मतलब? जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब एमपी कौन होते हैं? लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, दोनों को ही हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लोकसभा के सदस्यों को तो एमपी कह देते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को पता नहीं क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, लोकसभा भी राज्यसभा भी, और दोनों के ही मेंबर को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबकि जो स्टेट असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, ठीक है, उसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एमएलए कहते हैं। तो एमपी और एमएलए को जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं कि सेशन से 14 दिन पहले 14 दिन बाद आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपको ये पे एंड पर्क्स मिलेंगे, आपको ये अलाउंसेस मिलेंगे, जितने भी प्रिविलेजेस एमपी और एमएलए को मिलते हैं वो हमने कैनेडा से ही कॉपी किए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देश आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है। व्हाट इज कंकरेंट लिस्ट? समवर्ती सूची। देखो तीन तरीके की लिस्ट होती है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था। टोटल 12 शेड्यूल हैं भारत के अंदर, उसमें शेड्यूल नंबर 7वां है। 7th शेड्यूल तीन लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की और कंकरेंट लिस्ट की। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितनी भी बातें लिखी हुई है उन सब पे कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट पे जितनी भी बातें लिखी हुई है उन सब पे कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट में जितनी बातें हैं जो ना यूनियन में है ना ही स्टेट में है, उसमें यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलके कानून बनाएगी। तो जो कंकरेंट लिस्ट है, इसका कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग, जब कभी भी कोई मुद्दा बहुत ही बेहद पेचीदा हो गया है, लोकसभा राज्यसभा कहीं ना कहीं वो अटक जाता है, तो ज्वाइंट सिटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108। ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, और ये ज्वाइंट सिटिंग मतलब सबको एक बड़े से हॉल में बिठा दिया, लोकसभा के मेंबर को भी राज्यसभा के मेंबर को भी, और वहां पे वोटिंग करवा रहे हैं। जो ये ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ट्रेड एंड कॉमर्स की फ्रीडम आर्टिकल 301, ट्रेड एंड कॉमर्स की जो फ्रीडम है वो भी हम लोगों ने यहीं से ली है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, कि आप इंटरस्टेट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इंटरस्टेट व्यापार कर सकते हो, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नाउ लेट अस मूव टू जर्मनी। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या देके गया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी। अब अगर बात इमरजेंसी की है, इमरजेंसी कहां से ली है? इमरजेंसी ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने इमरजेंसी ली है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, ये आइडिया हम लोगों ने जर्मनी से लिया है, क्योंकि हिटलर ने वहां पे लगाई थी।
ठीक है, हिटलर ने वहां पे इमरजेंसी जैसे हालात किए हुए थे, तानाशाह बन गया था पूरा का पूरा, जिसकी वजह से लोगों के राइट्स छीने जा रहे थे। तो इमरजेंसी का बहुत ही एक सुधरा हुआ रूप भारत ने कॉपी किया है, और फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे ये बात हमने जर्मनी से ली है, लेकिन इमरजेंसी लगेगी ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर भी हमने जर्मनी से लिया है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन होगा तो फंडिंग कैसे होगी उसकी, वो प्रोसीजर भी हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर नहीं है, बट फिर भी पेपर में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा, ये बात साउथ अफ्रीका बताता है, आर्टिकल 368, पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद सिस्टम्स ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से हमने क्या लिया है, विमेन्स के जो वोटिंग राइट्स हैं, भारत ने तो आजादी के साथ ही महिलाओं को वोटिंग राइट दे दिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं आजादी के कम से कम 50-60 सालों के बाद वुमेन्स को वोटिंग राइट मिल रहे थे, तो ये वोटिंग राइट्स हम लोगों ने न्यूजीलैंड से लिए हैं। फ्रेंच से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने क्या लिया है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कि हम लिबरल हैं, हम आजाद हैं, हमको लिबर्टी है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, ये बातें हमने फ्रेंच से ली है, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा था 1789 में, और जहां से जो टैगलाइन थी यही थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों ही बातें जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, इन तीनों शब्द को क्या कहते हैं, ट्रिनिटी कहते हैं, ये जो ट्रिनिटी है ये हम लोगों ने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, उसके बाद जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हम लोगों ने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कि देखो दो चीज होती है, एक होती है स्टूडेंट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक चीज होती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर जो ये लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। पहले अमेरिका के, पहले भारत के अंदर केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता था, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे भी काम करते हैं। अब ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा साधारण करके आपको समझाना चाह रही हूं। देखो एक केस समझते हैं, यहां एक लड़का है, ठीक है, मेरा दोस्त है कोई, इस दोस्त, ये दोस्त जो है आइसक्रीम खाने जा रहा है, कहां जा रहा है, आइसक्रीम खाने जा रहा है। यहां दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है इनकी बहुत बुरी तरीके से। अब इसने क्या किया, इसको गोली मार दी, ठीक है, इसने क्या किया, इसको गोली मार दी, ये मर गया, ये डेड हो गया। इसने देख लिया कि इसने इसको मार दिया, अब ये भागा पुलिस स्टेशन, कहां भागा, पुलिस स्टेशन भागा, और इसने इसके खिलाफ FIR करवा दी, ठीक है, FIR करवा दी। तो ये मार मूर के इसको लगा किसी को पता ही नहीं लगा, मैं तो बस बच गया, निकल गया, और ये जाके अपनी पार्टी करने लगा, कंटिन्यू पार्टी शार्टी में अब ये लग गया है। पुलिस पहुंचती है, पुलिस इसको हथकड़ी पहनाने जाती है, इसने कहा कि मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, मुझे वारंट दिखाओ। इसको वारंट दिखाएंगे कि तेरे को इस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, तेरे खिलाफ FIR आई है, सबसे पहला कदम FIR। पुलिस गई, इसको पकड़ के लाई, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, मतलब ये पूरा एक प्रोसीजर बना हुआ है। अगर आप इसमें से एक भी कदम हट जाते हैं कि बिना FIR आप एकदम पहुंच गए, या आपने बीच में उसको अरेस्ट वारंट दिखाए नहीं और सीधा मैजिस्ट्रेट के पास ले गए, तो जो एक भी कदम आपने हटा दिया, मतलब आपने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। लॉ ने जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया है कि पहले ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसको फॉलो करके डिसीजन लेना, और ये हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन अमेरिका ने हमेशा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज किया। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये देखा जाता है कि जो प्रोसीजर बना हुआ है वो प्रोसीजर वैलिड है या नहीं है, इट इज वैलिड और नॉट, ये वैलिड है या नहीं है, इट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कभी कभी प्रोसीजर ही इनवैलिड होता है। केस बताती हूँ आपको, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस के अंदर क्या हुआ था, जब मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया गया तो उसने पूछा कि मेरा पासपोर्ट जब्त क्यों कर रहे हो, तो पुलिस वालों ने क्या कहा कि मैम ये हम बताने के लिए आपके साथ, मतलब हम बताने के लिए, ये कंपल्शन नहीं है कि हम आपको बताएं,
कि हम आपका पासपोर्ट क्यों जब्त कर रहे हो। प्रोसीजर में लिखा है कि पासपोर्ट जब्त करना है, बट क्यों करना है इसका रीजन हम आपको नहीं देंगे। हमारे पास ऑर्डर आए हैं और हम आपका पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं, अब आप इंडिया को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। तो अब मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने सारा चेक किया और पता लगा कि प्रोसीजर ही इनवैलिड है। जिस भी लोग का, जिस भी इंसान का आप पासपोर्ट ले रहे हो या किसी भी तरीके से उसको अरेस्ट कर रहे हो या परेशान कर रहे हो, तो उसको वजह तो बताओ कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मतलब प्रोसीजर को ही चेक करना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, बहुत साधारण और देसी शब्दों में मैंने आपको ये बताया, आई होप आपको समझ आया है। तो मेनका गांधी केस से पहले भारत प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करता था, लेकिन उसके बाद भारत प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करता है, जो हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। ठीक है, ये कुछ देश थे जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। ठीक, कुछ 60 के 60 देश तो हम कर नहीं सकते, तो जो इंपॉर्टेंट है पेपर में, सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, वहां से चीजें निकाल निकाल के मैंने जो है ये आप लोगों के सामने पेश कर दी। अभी क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, ये हमने कौन से देश से लिए है। मैं उम्मीद करूंगी इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट आप करोगे और आपको फिर से वीडियो रिवाइंड करने की नीड नहीं पड़ रही है। अगर पड़ रही है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपके दिमाग में चीज बैठेगी सही। ठीक है, आयरलैंड, यूएसए, यूएसएसआर या जर्मनी, DPSP आपने कहां से लिए हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे मिल जाना चाहिए। मैं चेक करूंगी, इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले एक स्वीट से सेशन में, जहां पे हम और बेहतरीन जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।